फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर मॉम्स क्रिएटिव लाइफ। आज मैं आपको एक डिफरेंट रेसिपी सिखाने वाली हूँ, जो कि है हमारा उत्तपम पिज़्ज़ा, जिसके लिए चाहिए हमें पिज़्ज़ा सॉस, ऑरिगैनो, और ये जो पिज़्ज़ा में हमारी वेजिटेबल्स लगती हैं, मैंने अनियन, टमाटो एंड मशरूम जो हैं, और ये कैप्सिकम मैंने जो मेरे घर में अवेलेबल थी वही वेजिटेबल्स मैंने ले ली हैं। ये हमारा है चीज़, जिसे मैंने मोज़रेला चीज़ जो है और प्रोसेस चीज़ दोनों मिक्स कर लिया है। एक्चुअली मेरे पास मोज़रेला चीज़ कम थी, तो मैंने उसमें जो स्लाइस वाली चीज़ आती है हमारी सैंडविचेस वाली, वो मैंने सीज़र से कट करके उसमें मिक्स कर ली है, ताकि चीज़ की कमी ना रहे। ये है हमारा उत्तपम का बैटर। इसे मैंने बस रवा और कर्ड से इसको बनाया है। आप चाहें तो इसमें सॉल्ट भी डाल लीजिएगा, मैंने सॉल्ट नहीं डाला है। ये हमारा, मैंने लिया पैन, अब मैं गैस को ऑन कर दूंगी। ये काली मिर्च और नमक, जो कि मैं भूल गई थी तो मैंने बाद में लिए हैं। अब मैं हमारे पैन में डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, मैंने ऑलिव ऑयल लिया है। आप चाहें तो कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जो भी ऑयल आप लेना चाहें। अब हमारे पैन को ग्रीस करने के लिए मैं ऑयल को जो है हर तरफ स्प्रेड कर रही हूँ, ताकि हमारा उत्तपम जो है अच्छे से निकल के आ जाए, चिपके ना इसमें। ये मैंने इसमें बैटर हमारा डाल दिया है। अब मैं अपने जो है बैटर को सारी तरफ स्प्रेड करके हमारा उत्तपम बना लूँगी। इसको थोड़ा सा कुक हो जाने के बाद यहाँ पे मैं ये चीज़ को मिक्स कर रही हूँ, वो मैंने कट करके रख लिया है, बट मैंने दोनों को मिक्स नहीं किया था। अब मैं इसमें जो है हमारा पिज़्ज़ा में जैसे हम प्रिपरेशन करते हैं सॉस डालते हैं, वैसे बेस में पहले मैं सॉस लगा के सारी साइड स्प्रेड कर लूँगी हमारी सॉस को। ये देखिए अभी से ही अच्छा लग रहा है। बस ये हो गया है मेरा। अब पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद इसमें मैं हमारी वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। ये मैंने हमारे अनियंस जो हैं इसमें डाल दिए हैं, टमाटोज भी मैंने इसमें डाल दिए हैं, ये हमारी मशरूम्स और कैप्सिकम। ये देखिए सुंदर लग रहा है ना। अब मैं इसमें डालूंगी हमारा चीज़। ये देखिए अच्छे से चीज़ मैंने जो है इसमें डाल दिया है। अब इसको कवर करके हम 5 मिनट जो है कुक होने देंगे। कुक होने के कवर हटाने के बाद इसको थोड़ा और 2-3 मिनट कुक कर लीजिएगा, अदरवाइज़ ये सोगी सोगी रहेगा। तो क्रिस्पी रखने के लिए जो है इसको कवर हटा के भी कुछ थोड़ा सा टाइम कुक करना पड़ेगा आपको। तो इसमें ऑर्गेनो डाल के अब ये मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाल दिया है। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा, अभी मैं इसको आपको नीचे से दिखाती हूँ। देखिए क्रिस्पी है जो इसका बेस है ना, ये देखिए रेडी। अब ये देखिए इसका, ये देखिए अच्छा लग रहा है ना। देखिए क्रिस्पी क्रिस्पी है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सोगी लगेगा। ये हमारा हेल्दी पिज़्ज़ा वर्जन इज़ रेडी नाउ। बच्चे डिमांड करेंगे तो आप उनको एक कंप्लीट हेल्दी मील दे सकते हैं। चीज़ भी बच्चों के लिए हेल्दी, वेजिटेबल्स तो हैं ही। यहाँ पे मेरी बेटी अपना पिज़्ज़ा एंजॉय कर रही है, मम्मा भी हैप्पी और बच्चे भी हैप्पी, और बच्चों को एक हेल्दी और कंप्लीट मील भी मिल गया। ये देखिए शी इज़ एंजॉइंग, यस शी इज़ गिविंग हर एक्सप्रेशंस, या शी लाइक इट। सो आप भी बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, खुद भी खाइए, विंटर से इंजॉय कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।